हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार। तो देखिए आज मैं अपने न्यू ब्लॉग में क्या करती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी बज रहे दोपहर के दो, आज मैंने 2 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया है। पूरा घर का काम वाम फिनिश करके, दिव्यांश को नहला के, सारे कपड़े वपड़े धो के, और तब मैं सोच रही थी चलो एक ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो 2 बजे ब्लॉग स्टार्ट करने का एक और भी रीजन है मेरा, क्योंकि मैं अभी जैसे घर का पूरा काम हो गया था, काम करने के बाद मैं अनोड़ा गई थी। मैं अपनी दवाई लेने के लिए गई थी, खांसी की दवाई। थोड़ी सी खांसी मेरी अभी रह गई है, तो पूरी जड़ से ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं दवाई बंद नहीं करूँगी। अभी 3 दिन की बस लास्ट दवाई दी है, अब इसमें मेरी जो खांसी है सही हो जाएगी। उसने कल भी उसने बुलाया है एक इंजेक्शन के लिए, और पापा जी वहाँ से लेने गए थे ट्रैक्टर के लिए डीजल, क्योंकि खेत जोता जा रहा है। यहाँ पर हमारा जो खेत है उसकी जुताई होगी, परे होगी, यानी कि पानी दिया जाएगा उसमें। तो यही रीजन था ब्लॉग थोड़ा सा 2 बजे स्टार्ट किया, बट कोई नहीं, अभी पानी आ रहा है तो मैं पानी भर लेती हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ कि हमारा कहाँ पर पानी आता है। तो इधर मैं बाल्टा लगा के आई हूँ, बाहर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये तो पूरा भर गया है, इसको बंद कर देती हूँ, इसको लगा देती हूँ। उपमा मैंने साड़ी डाल दिया मम्मी की, तो दिव्यांश ने इस तरीके से अपने लिए झूला पड़वाया है मेरे से। तो ये है हमारी चमन दीदी, तो बहुत ज्यादा शर्मा रही हैं ये, और आज जा रही हैं। हम इनको विदा करने आए हैं, गेट पर खड़े हैं हम सब पूरी फैमिली। आ जाओ, फिर ट्रेन निकल जाएगी तुम्हारी, फिर से लौट के आना पड़ेगा। कन्नू बाय कर दो दीदी से, बाय मिनी दीदी। हवा चली थी तो मैंने उपले रखे थे यहाँ पर, देख रही थी मैं कि हवा से ये चले तो नहीं गए, उड़ तो नहीं गए, तो उपले देखने आई हूँ मैं। और वैसे भी यहाँ पर आज हमने मिट्टी डलवाई है, थोड़ी सी धूप है तो धूप में खड़ा तो नहीं हुआ जा रहा, लेकिन मिट्टी देखने आई थी कि कहाँ कहाँ पापा जी ने मिट्टी डलवाई है। यहाँ पर मिट्टी डलवाई है आज हमने अपने घेर पर, और दीवार का भी काम चल रहा है। दीवार का काम दिखा देती हूँ मैं आप सबको, देख लो पवन मजदूरी कर रहा है। आजकल पवन को मजदूरी करनी पड़ रही है, तो यहाँ पर पवन गारा बना रहा है। पवन इधर देखो, कन्नू तुम क्या कर रहे हो? कारा बनवा रहे हो? ये अब तुम सावे कटा लगा। देखो कन्नू है, देखो अभी यहाँ पर हमारी चुलबुल पानी पी रही है। मैं इसके लिए एक बाल्टी पानी लेके आई हूँ, इसको पेट भर के आज पानी पिलाने वाली हूँ मैं। और ये हमारी बुलबुल चुलबुल सब पानी पियेंगी, क्यों भाई बच्चों? हाँ, चुलबुल कर रखा है इन्होंने, सारा खा लिया, मतलब पेट भर गया, बस लास्ट इनको पानी पिला के अलग करना है। और देखो हमारे ये छोटे चुन्नू मुन्नू है ना, देखो एक मुन्नू है एक चुन्नू है, ये दोनों ही आराम से बच्चे बैठे हैं आराम से खाना पीना खा के। तो हमारी चुलबुल ने एक बाल्टी पानी पी लिया है, अब दूसरी बाल्टी पानी लेने जा रही हूँ मैं अपनी चुलबुल के लिए। ताऊ और मौज आ रही हैं, तो ये हमारे ताऊ हैं, ताऊ का इंटरव्यू करवा देती हूँ आपको। और बताओ ताऊ, हेलो कर दो सबसे। हाँ कहा है, हेलो दोस्तों, कोई दोस्तों, दोस्तों कौन है? हेलो दोस्तों, हेलो टूटू, हाँ टूटू, तुम्हारी क्या शादी भाई? ये क्या भाई, इसे छोड़ दे। छोड़ दे? क्यों छोड़ दे ताऊ? अरे को मां को आगरे मां को ये हमारे छोड़ दे। आगरे वाले थे का दिक्कत थी फिर तुम्हें? सामान कहां जा रहा, को तो साथ में थे को डोलो दारू आ जो है। बहु दारू पीती तुम्हारी? नोड़ियो पी मती है, तो मैं दुबक्की देख आई हूं। दुबक्की देख आए ताऊ, मिलवे गए बुलाए उगाने के? आ जाओ देख जाओ मैं। अच्छा ताऊ तो एक बहुत मुलाकात करे हैं तो भी बहुत है। ओह सावकारी, सावकारी। अच्छा और वो दारू आज सारो? कौन सारो? बहू को भैया हम्मे। अच्छा दो कारी कारी। अच्छा अच्छा वो करिया फिर कोई ना रहा है तो वो ना रहा करिए। अच्छा जो तुम तेरी गई शादी है। अच्छा ताऊ तो ताऊ फिर तुम्हारी दूसरा तो ब्याह हो माते दिल्ली ते मुंबई ते? मुंबई ते वो लौंडिया लेके आई हूं मैं। हां घर राखी तो ही तो मन्ने घर राखी कै दिन राखी ताऊ तो मन्ने? दो महीना। दो महीना
कह बाल कह बाप है ये कौन आओ फिर अब कहा है ताई वो हाँ बम्बई है बम्बई छोड़े आता है भाई ले आता है कबू कबू फिर छोड़े आता है और आओ लाओ एक और बाल्टी दो जय काम कर दो जय भगवान कर दे ये और पानी नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खींच हो जाएगी तो मैं यहाँ ठोटी में से ही पानी निकाल लेती हूँ एक बाल्टी खींच के हो गए चलो चेंज करो चलो कनु पूरा गारे का हो गया मिट्टी का हो गया मैं चेंज कर देती हूँ जीन्स पूरा मिट्टी का हो गया था मैंने धो के डाल दिया दिव्यांश का मैंने लोअर चेंज कर दिया है पैंट चेंज कर दिया लोअर पहना दिया है बच्चा यहाँ पर स्कूटी पर खेल रहा है वंदना के साथ तो यहाँ पर देखो भौजाइयों को देखो घर में से नाज और वो लेके आ रही है चावल निकाल निकाल के दो ढक्कन ये इस जेंट्स के हाथ में ढक्कन लग रहा है इस ढक्कन से दो ढक्कन या तो अनाज दो गेहूं का बाजरे का या मक्का दो या फिर चावल दो चाहे टप लो या बाल्टी कल्ला भैया दिखा रहे हो कल्ला भैया कितना काम कर रहे हैं भाई साहब कल्ला भैया नए घर का फुल मेहनत कर रहे हैं तो इन भैया का नया घर बनना है नए घर के लिए सामान लेके जा रहे हैं और सारी लेडीजों ने कुछ न कुछ ले लिया है यहाँ पर देखो इन्होंने बाल्टी और टब लिया है एक बाल्टी और एक टब लिया है और मैंने भी एक टब लिया है ये वाला टब लिया है मैंने और ये फाइबर वाला टब है और मैंने एक ढक्कन तो चावल दिए थे और एक ढक्कन बाजरे का दिया है तो इधर हमारा बैटरा खराब हो रखा है काफी दिन से आज इसको चेंज करने वाला आ रहा है इसको चेंज करके नया रख कर जाएगा वो और इधर दिव्यांश क्या कर रहा है दिखाती हूँ कन्नू आ चलो अंदर आओ आ जाओ चप्पल पहन ले आओ अंदर क्या मांग रहे हो चून चून मांग रहे हो तो इधर मैंने लाल मिर्ची का अचार डालकर धूप में रख दिया है दो दिन के लिए इस तरीके से ये सालों साल चलता है धूप में रखकर ये भैया हैं आपके फ्रेंड हैं ये चलो भैया के साथ छोले चावल खा लो देखो भैया छोले चावल खा रहे हैं देखो चलो खाओ खाना भैया के साथ बैठ के वहाँ खाओ यहाँ नहीं सोनी वहाँ बैठ जाओ उधर चलो चलो खाओ पवन खिलाइयो इसको खा के देखियो सोनी कैसे बने हैं छोले चावल अब बताओ कैसे बने हैं टेस्टी यमी दिव्यांश रोगी को खाना खिला रहे हो तो अभी हो गई ये नाइट और दिव्यांश नाइट में डॉगी को खाना खिला रहा है आप लोग देख सकते हो खुद भी खा रहा है और डॉगी को भी खिला रहा है तो फाइनली शाम का खाना पीना हो गया है और बस इधर दूध गर्म हो रहा है सभी को मेरे को दूध देना है एक एक गिलास और फिर सभी का सोने का टाइम हो जाएगा तो हमारा भी सोने का टाइम हो रहा है तो फाइनली फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब